ईआरपी सुपरस्टार यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। जिन व्यूअर ने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस आइकन पर क्लिक करके हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो पहुंचती रहे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि हम एक सेगमेंट को किस तरह क्रिएट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्लांट इन SAP ERP सिस्टम। प्लांट इज अ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विद इन अ कंपनी विद एक्टिविटी टेक प्लेस। ए प्लांट विल प्रोड्यूस गुड, मेक गुड अवेलेबल फॉर द कंपनी। प्लांट क्या है? कंपनी के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है कंपनी के अंदर जहां पे आपकी प्रोडक्शन होती है, जहां पे आपकी एक काम को सरगर्मी को अंजाम दिया जाता है, जहां पे आपकी प्रोडक्ट बनती हैं। अब इसका पाथ क्या है? SPRO, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन कंपनी, डिलीट चेक प्लांट। अब हम इसे SAP के अंदर देखते हैं कि किस तरह क्रिएट करते हैं। SPRO इन कमांड बार प्रेस एंटर, क्लिक ऑन SAP रेफरेंस IMG। इसके बाद गो टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पहले हम उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद लॉजिस्टिक जर्नल। लॉजिस्टिक जर्नल के बाद डिफाइन डिलीट चेक एंड प्लांट। डिफाइन प्लांट डबल क्लिक। अब हमने प्लांट को डिफाइन करना है, एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी आ गया, और क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अब हम यहां पे अपने एक प्लांट को क्रिएट कर रहे हैं। हमारा एक प्लांट का आप कोई भी कोड दे सकते हैं, जिसे हमने देखा PLPP। ठीक है, हमारा प्लांट किस चीज का है? हम एक बेवरेज कंपनी बना रहे हैं, उसका प्लांट हमारा SS वाटर टैंक। जो भी आपका एक प्लांट होगा उससे रिलेटेड आपने क्रिएट कर देना है। ठीक है, एंटर और कंट्रोल S। यह आपका प्लांट सेव हो जाएगा। हाँ जी यूजर, एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये परफॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिल करना है। इस पे आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, आपके प्लांट का नेम क्या है। हम ये कहते हैं हमारा एक बेवरेज प्लांट है, प्लांट। ठीक है, बेवरेज प्लांट SS वाटर टैंक कर लेते हैं। SS स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील टैंक। टैप की यूज की, ये हम किस टैप के हैं? मैन्युफैक्चरिंग हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ये सर्चिंग के लिए पोस्टर को हम देख लेते हैं, हमारे स्ट्रीट हम पोस्टल कोड देंगे। कोई भी आप डमी से दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिटी हमारे क्या है, कंट्री पीके, पीओ बॉक्स, ये एक्सटेंशन वगैरह आप ना भी दें कोई इश्यू नहीं है, और टिक के बटन पर कर दें, आपका ये एक प्लांट क्रिएट हो रहा है, ये आपका एक प्लांट क्रिएट हो गया और इसे आप सेव कर लें। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये था एक आज का ट्यूटोरियल जिसमें आपने अपने प्लांट को क्रिएट किया। लास्ट में हमने देखा हमारी एक कंपनी थी बेवरेज, बेवरेज की कंपनी, ये एसएपी सिस्टम में रिक्वायर है कि आप ये देखें कि बेवरेज की कंपनी में कि प्लांट आपका किधर है, आपके प्लांट किस काम के, क्या काम करता है आपका प्लांट, की प्रोडक्शन आपकी किस चीज की है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये चीजें कहा, आप टू क्रिएट अ प्लांट इन एसएपी ईआरपी सिस्टम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए फॉर सेक ऑफ नॉलेज, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।